यह मकाम नफ्स है, ये छह मकाम है। जो इन छह मकानों को पहचान लिया भाई, वो अपने अल्लाह को पहचान लिया, ठीक है ना भाई। अब बताओ यह मकाम तुम कब पहचानोगे? लड़कपन गुजर गया, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कब्र में पैर भी लटकाए हो, लेकिन अभी तक इसको तुम समझे नहीं। अब अल्लाह की मारिफत आपको हासिल नहीं हुई, अब खाली हाथ तुम दुनिया से जा रहे हो। अब बताओ अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे भैया? इसी का नाम मुसलमानी है? जबां से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? ये दिलो जहां मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो भाई, कब पहचानोगे तुम ये? कब इन मकामात को तुम तय करोगे? मरने के बाद? जी नहीं, इसी दुनिया में इसको तय करनी है। अभी ही हमारी आंख बेकार है। हुजूर सैयदी आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कल तो दीद का दिन और यहां आंख बेकार है क्या होना है। अब तैयारी हम लोगों को करनी है इसी दुनिया में रह करके। तो कामिल फकीर ढूंढ लो, कामिल पीर ढूंढ लो, सिर्फ नामो नमू से काम चलने वाला नहीं है। अब उमर कादरी ये कहता है, जहां पर बुजुर्गी हो वहां पर जाओ। बस इतना मुझे मालूम है, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, मैं नहीं बोलता, तुम तलाश करो। जहां बुजुर्गी है तुम वहां जाओ, इंशाअल्लाह ताला जरूर उनका कर्म हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। हजरत जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब हजरत मैं ये मौजू यहीं पर खत्म करता हूँ, बहुत तेजी के साथ आगे भाग रहा हूँ, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह का इनाम नबियों की जमावत पर, ठीक है, और अल्लाह का नाम सिद्दीकीन की जमावत पर, और सिद्दीकीन के जो फर्दे आला हैं वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर जिसके बारे में सादिकुल मस्दूक आका फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल अर्दीन, अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन وخير من اهل السماوات والارض الا الانبياء والمرسلين بلا تخبرهما يا ولي سبحان الله سبحان الله। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जमीन और आसमान में अव्वलीन और आखिरीन में नबियों के बाद सबसे अफजल है। बोलो भैया जोर से, नबियों के बाद सबसे अफजल है। और ये खिताब मेरे आका अली ये मुर्तजा से फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते ये अली, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक जमीनों व आसमान में नबियों के बाद सबसे अफजल है, लेकिन ये अली ये बात तुम उन दोनों को मत बताना, ना तो सिद्दीक अकबर को बताना, ना उमर फारूक को बताना। ये अली ये बात मैं तुमको बता दे रहा हूं, उन दोनों को मत बताना। अब इसे ना बताने की बात अब आला हजरत सरकार बताए, जरा बचल के बोल दो भाई। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार अंबिया, फरमाते हैं ये दोनों हैं, जरा मचल के बोलो। कौन? अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक। ऐ मुर्तजा अतीक उमर को खबर न हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बात तुम दोनों को बताना नहीं। हजरते इसको हुजूर ने अली मुर्तजा से फरमाया, ये अली ये मुजदे जहां फिजा ये खुशखबरी तुम उन दोनों को मत बताना। तो क्यों हुजूर ने ऐसा फरमाया? इसलिए कि ये अली अगर ये खुशखबरी तुम उन दोनों को सुनाओगे तो तुम्हारे कहने से उन दोनों को उतनी खुशी नहीं होगी जितना मेरे कहने पर होगी। ये बात मैं खुद उन दोनों को बताऊंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो अब तो हजरत मोहतरम सिद्दीकीन की फर्दे आला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन सिद्दीक अकबर? आला हजरत सरकार फरमाए सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके और हिफ़िज़े जा तो जाने फुरूज़े गुरर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तीसरी जमात शहीदों की जमात है। जाग जाओ भैया जाग जाओ, जरा आ रहा है वो दिन, तीन चार दिन के बाद वो महीना शुरू हो रहा है। इजाफी तौर पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद आजम, राजी लगा के बोलो शहीद आजम। तो शहीदों के फर्द आला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, कि हमारे हुसैन जैसा कोई शहीद नहीं। राजी लगा के बोलो कोई शहीद नहीं। अब हजरत मोहतरम तो उमर कादरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि जब इमाम हुसैन जैसा कोई शहीद नहीं तो बताओ तुम अपने अंदर ये हुसैनी रंग कब चढ़ाओगे? और कसम खुदा की ये वो रंग है जो कयामत तक कोई उतार नहीं सकता। अरे ये वो रंग है जो कब्र में भी कामयाब कर दे और हश्र में भी कामयाब कर दे। तो तैयार हो जाओ, ये हुसैनी रंग है। और रंग की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, लाल पीला हरा यक आई यक जाई, लाल पीला हरा यक आई यक जाई, और मिटते मिटते सब मिट जाई हैं एक रंग रह जाई। जितने रंग है सब मिट जाएंगे, ये की रंग है वो रंग कौन सा? सिबगतुल्लाह। बोल दे भैया जितने रंग है सब मिट जाएंगे, ए मामे हुसैन तुम्हारा कौन सा रंग है? जरा मचल के बोल दो, सुना दो मैं आपको, पूरा हाथ उठा दो, दो शेर सुना दो, आगे बढ़ जाओ। इसलिए उमर कादरी कलकत्ता में कहा था, यहां भी कह दे रहा है कि हसनी गुल खिला है तो खिला रहने दो, हसनी गुल खिला है तो खिला रहने दो, और हुसैनी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने इमाम हुसैन। पूरा मजमा पढ़ दे, हुसैनी रंग चढ़ा है चढ़ा रहने दो, झूम कर हमारे साथ में पढ़ दो भैया, हुसैनी रंग, हुसैनी रंग चढ़ा है, झूम कर पढ़ दे भैया। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं बराबर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, शायद कि हुसैन अपना रंग चढ़ा दें। ये तुम्हारे दिल के ऊपर मौकूफ है, जैसे याद करोगे वैसे तुमको दिला मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से याद कर लो प्यारे हुसैन को, जरा मचल के बोलो। तो हसनी गुल खिला है तो खिला रहने दो, और हुसैनी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो, हुसैनी रंग चढ़ा है चढ़ा रहने दो, शाहिया फैज है जारी तो जारी रहने दो, और कादिरी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो, कादिरी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो, कादिरी रंग चढ़ा है चढ़ा रहने दो, झूम के पढ़ दो कादिरी रंग। हारूनी आन है बाकी तो बाकी रहने दो, चिश्तिया रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। अब पूरा मजमा पढ़ दे, चिश्तिया रंग, चिश्तिया रंग,
अब इसलिए उमर कादरी कह रहा है हो निर्मोही सपने में आ जा। अरे मचल दे यार जरा। हो निर्मोही सपने में आ जा, पूछ तो विपत्तियां कम हो जाई। हो निर्मोही सपने में आ जा, कुछ तो विपत्तियां कम हो जाई। चंदा गगन से झांके तो का पापी दुनिया ताना मारे, सब रूठी हैं जाना तुम ना रूठियो, सब रूठी हैं जाना तुम ना रूठियो, सब रूठी हैं आका तुम ना रूठियो, तुम रूठियो तो गजब हो जाई। हो निर्मोही सपने में आ जा। और कसम खुदा की ये वो रंग है जो कयामत तक फीका पड़ने वाला नहीं है। तो जरा बोल दे भैया, तो अल्लाह का इनाम नबियों की जमात पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, और ये चौथी जमात सालीन की जमात है। बहुत तेजी के साथ भाग रहा हूं, अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। सालीन की जमात, सालीन के फर्दे आला कौन? बड़े पीर आलम दस्तगीर, ठीक है, सरदारे औलिया, ताजदारे औलिया, आला हजरत सरकार ने कलम चला दिया, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। जो वली गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, सब लोग बड़े पीर का अदब एहतराम अपने दिल में रखते हैं। जर्रा से बराबर गुस्ताखी कर दी तो विलायत को सर्व कर लिया जाता है, छीन लिया जाएगा विलायत को। ये है शहंशाह बगदाद, ये है बगदाद के राजा और महाराजा। और बड़े पीर को हमने वैसे ही बड़े पीर नहीं मान लिया है। बड़े पीर की जिंदगी 40 साल तक यूं गुजरी, राजी लगा के बोलो कि यशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ें। अल्लाह हू अकबर। अभी मुफ्ती साहब आएंगे, फतवा पूछ लेना। यशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक बड़े पीर आलम दस्तगीर ने यशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। थोड़ी सी ओंघ आपको आ जाए तो आपका वजू गायब। बोलो भाई मसला ये है ना, टेक लगा करके बैठे हैं, इस तरह कायम हासिल हुआ, वजू गायब। बोलो भाई है कि नहीं, मसला ये है ना। और 40 साल तक बड़े पीर ने यशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और 15 साल तक बड़े पीर की जिंदगी यूं गुजरी कि बादे यशा एक पांव पर खड़े हुए फजर के वक्त तक पूरा कुरान खत्म किया। ये है शहंशाह बगदाद, ये है बगदाद के राजा और महाराजा। ये शहंशाह बगदाद, आपके तकवे का कोई जवाब नहीं, फतवे का कोई जवाब नहीं, इल्म का कोई जवाब नहीं, अमल का कोई जवाब नहीं, फिर आपको पीरी और मुरीदी की जरूरत क्यों? अबू सईद मखजूमी के बारगाह में पहुंचे, सरकार मुझे मुरीद कर लो। हजरत अबू सईद मखजूमी ने आपको मुरीद कर लिया, मुरीद करने के बाद खिरकाब उतारा, बड़े पीर को पहना दिया। तलब के बोल दो सुभान अल्लाह। अब बड़े पीर ने वही खिरकाब उतारा और अपने पीर को पहना दिया। अब तवज्जो चाहूंगा, आपके पीर साहब आपको खलीफा बना दें, खिरका दे दे, तो आप उसे क्या कहोगे? खिरकों को आप हिफाजत से रखोगे, आंखों से लगाओगे, दिल में बसाओगे, वक्त आएगा तब आप उसे पहनोगे, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वही खिरका उतार कर आप अपने पीर को पहना दो। बोलो भाई पहनाएगा कोई? चुनरी आपके पीर दे दें तो आंखों से लगा करके, सीने से लगा करके रख लोगे, आपके अंदर यही ताकत नहीं कि वही चुनरी उतार कर आप अपने पीर को पहना दो। अबू सईद मखजूमी ने बड़े पीर को खिरका पहनाया, बड़े पीर ने वही खिरका अपने पीर को पहनाया। क्यों? ये अब्दुल कादिर, अब तू मुझसे बरकत हासिल कर ले, मैं तुझसे बरकत हासिल कर लू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये खिरका सुनो, ये अब्दुल कादिर, ये काम आम खिरका नहीं है,
हसन बसरी से जला रहा है, इमाम जाफर सादी से जला रहा है, मौलाई कायनात से जला रहा है। ये अली तुमको किसने दिया ये खिरका? कहा मेरे आका वो मौला ताजदार मदीना ने दिया मुझे ये खिरका। बाबा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने किताब लिखी अनीसुल अरबा, उसमें यार तहरीर फरमाते हैं, राज्य लगा के बोल दो सुभान अल्लाह कि शबे मेराज अल्लाह ताला ने ये खिरका अपने प्यारे हबीब को अता फरमाया और कहा ये मेरे प्यारे हबीब ये मेरा सवाल है, इस सवाल का ये जवाब है और इस सवाल का जो ये जवाब दे दे ये खिरका उसे अता कर देना। तलब के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी खिरका लेकर के आए, सहाबा का मजमा लगा है। कहा मेरे प्यारे सिद्दीक ए मेरे यारे गार करीब आओ। कहा ये सिद्दीक अकबर अगर ये खिरका तुमको दे दिया जाए तो क्या करोगे? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये खिरका मुझको मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में सदाकत का परचम लहरा दूंगा। मेरे आका फरमाते सिद्दीक अकबर यकीनन तुम ऐसा कर जाओगे लेकिन मेरे मौला की मर्जी ये नहीं है। चलो ये किनारे बैठ जाओ, ये उम्र करीब आओ। कहा ये उम्र अगर ये खिरका तुमको दिया जाए तो? कहा या रसूल अल्लाह अगर ये खिरका मुझको मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया में अदालत का परचम लहरा दूंगा। यकीनन तुम लहराओगे ये उम्र लेकिन मेरे मौला की मर्जी ये नहीं है। चलो तुम भी किनारे बैठ जाओ। उस्मान गनी करीब हो, उस्मान अगर ये तुमको ये खिरका दिया जाए तो? कहा या रसूल अल्लाह मैं सखावत का परचम लहरा दूंगा। कहा ठीक है लेकिन मेरे मौला की मशीयत ये नहीं है, चलो किनारे बैठ जाओ। आओ आओ ये अली ये मुर्तजा आओ या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। कहा ये अली अगर ये खिरका तुमको दे दिया जाए तो क्या करोगे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये खिरका मुझको मिल जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनहगार उम्मती है उनके गुनाहों को हम इसी खिरके में छुपा देंगे। मेरे आका वजद के आलम में खड़े हो गए। अली ये मुर्तजा को सीने से लगा लिया और फरमाते ये अली मेरे मौला की मर्जी भी यही है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मौला की मशीयत भी यही है। बताओ अब गुनहगारों के गुनाहों को खिरके में छुपाया जा रहा है और मैदान मैशर में मेरे आका की शफाअत का क्या कहना है? तलब के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उस आते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो ये चार जमात है जिस पर अल्लाह का इनाम और इकराम है और जो इन्हीं चारों के नक्शे कदम पर चले उसी का बेड़ा पार है। खूब की सहरे चमन फूल चुनी शाद रहे और बाकबा में चला गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।